हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 19 जुलाई का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपको भी आज जन्मदिन है तो करेंगे उसे सेलिब्रेट। वही तमाशा देखते हैं। जुलाई 1702 किंग चार्ल्स के नेतृत्व में स्वीडन की सेना ने चेक गणराज्य के क्रेकोव शहर पर कब्जा किया। 19 जुलाई 1702 को 19 जुलाई 1763 बंगाल के नवाब मीर कासिफ को कटवा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह पराजित किया। 19 जुलाई 1763 को 19 जुलाई 1848 पहला महिला अधिकार सम्मेलन न्यूयॉर्क के सिनिका फॉल्स में आयोजित किया गया। 19 जुलाई 1848 को 19 जुलाई 1870 फ्रांस ने प्रशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 19 जुलाई 1870 को 19 जुलाई सन 1900 फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली थी। 19 जुलाई 1900 को 19 जुलाई 1916 प्रथम विश्व युद्ध में फ्रोमेल्स के युद्ध में ब्रिटिश और ऑस्ट्रियाई सेना ने जर्मन सेना पर हमला किया। 19 जुलाई 1916 को 16 जुलाई 1926 फ्रांस में एडवर्ड हेरियोट के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी। 19 जुलाई 1926 को 19 जुलाई 1940 एडोल्फ हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 19 जुलाई 1940 को 19 जुलाई 1941 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वी फॉर विक्ट्री अभियान शुरू किया। 19 जुलाई 1941 को 19 जुलाई 1961 पहली बार विमान में फिल्म दिखाई गई। 19 जुलाई 1961 को 19 जुलाई के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 19 जुलाई 1827 भारतीय विद्रोही कार्यकर्ता मंगल पांडे का जन्म हुआ। 1956 भारतीय अभिनेता राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 1975 भारतीय अभिनेत्री आशा सरद का भी जन्म हुआ और 1987 भारतीय अभिनेत्री मधुरा नाइक का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। लक हैप्पीनेस लव सक्सेस हेल्थ और स्ट्रेंथ आपके जीवन में भर भर के आए। 19 जुलाई को जन्म हुए लोग राशि कर्क राशि यानी कैंसर, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के होते हैं, बहुत सेंसिटिव यानी बहुत संवेदनशील होते हैं और प्रैक्टिकल स्वभाव के यानी व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते हैं अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।